नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 6 5G वर्सेस Realme 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT 6 में 6.38 इंच जबकि 12 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि GT 6 से कम है। विड्थ की बात करें तो GT 6 में 2.96 इंच जबकि 12 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि GT 6 से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो GT 6 में 199 ग्राम जबकि 12 Pro 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT 6 में LTPO AMOLED जबकि 12 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो GT 6 में 19:8:9 जबकि 12 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT 6 में 6.78 इंचेस जबकि 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT 6 में 1264x2780px FHD+ और 12 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT 6 में 91.22% जबकि 12 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT 6 में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT 6 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT 6 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT 6 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT 6 में Adreno 735 जबकि 12 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो GT 6 में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB, 16GB की RAM मिलती है, जबकि 12 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT 6 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 12 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी GT 6 में 5500 mAh जबकि 12 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
GT6 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 40,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 44,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 Pro 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,849 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 23,885 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme GT6 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 12 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT6 आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT6 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Oppo F25 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2a 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।